बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एसएससी हिंदी कनिष्ठ अनुवादक परीक्षा में पूछे गए हैं। हर समय देर से काम करने वाला उसे कहेंगे दीर्घसूत्री, जिसने ऋण लिया हो उसे कहेंगे अधमर्ण, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसे कहते हैं अवमूल्यन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे कहते हैं अनुग्रह, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला उसे कहते हैं पर्यटक, जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे कहते हैं मुमुक्ष, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे कहते हैं आशुतोष, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम, जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना उसे कहते हैं पदावनति, किसी बात को करने का निश्चय उसे कहते हैं संकल्प, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर 2001 की परीक्षा में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आयु में बड़ा व्यक्ति उसे कहते हैं ज्येष्ठ, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय के लिए यहाँ पर मध्याह्न का प्रयोग किया जाएगा। वैभव को उस समय विद्यालयों में इम्तिहान लेने वाला बनकर आन जाना है, तो इम्तिहान लेने वाले के लिए शब्द है परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे कहते हैं संकालु, किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे कहेंगे विवेचना। स्टेनोग्राफर परीक्षा सन 2001 में कुछ महत्वपूर्ण जो है पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहते हैं नश्वर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग किया दिया है जिसके पति ने त्याग दिया है तो उसे कहते हैं परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं साहित्यिक, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहेंगे सुलभ, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहते हैं अगोचर, जो तत्काल उत्तर दे दे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, जीने की इच्छा उसे कहते हैं जिजीविषा, एक स्थान पर टिककर रहने वाला उसे कहते हैं यायावर, पूछने योग्य इसे कहेंगे प्रष्टव्य। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में पूछे गए, युद्ध करने का इच्छुक उसे कहते हैं युयुत्सु, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसे कहते हैं अंकेक्षक। लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछे गए हैं, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य उसे कहते हैं नास्तिक, यानी जो ईश्वर को ना माने उसे कहेंगे नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो जिसका आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, मतलब बुरी दशा यानी कि दुर्दशा देखकर। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने को वाले को क्या कहते हैं मितभाषी। यूपी पीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुक्ष, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर, जीतने की इच्छा
उसे कहते हैं जिगीसा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं अजानुबाहु, जो पूजा के योग्य हो उसे कहेंगे पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमी से तपतिका, आगमित से तपतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसे कहते हैं गतानुगतिक। यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा में जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास उसे कहते हैं समाजवाद। रजोगुण वाला उसे कहते हैं राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुग्रहीत। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य ना हो उसे कहते हैं अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1975-76 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सरलता से प्राप्त होने वाला उसे कहते हैं सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला उसे कहते हैं समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे कहते हैं दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला उसे कहते हैं मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला उसे कहते हैं नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला उसे कहते हैं द्विभाषी। यूपी लोअर मेंस 1990 ईस्वी में जो है पूछे जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। जो बदला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो उसे कहते हैं सैन्यवास। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो भवन पर गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो उसे कहते हैं निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहा जाता है गंजा। तो अनेक शब्दों के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द, ये महत्वपूर्ण वन वर्ड थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। बचे हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप हमारी प्लेलिस्ट हिंदी में जाकर देख सकते हैं। हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जो आपको जो इससे पहले कराए जा चुके हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भविष्य में आने वाली जो वीडियो होंगी आपको वो भी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।